कुछ समय पहले की बात है, एक परिवार था। उस परिवार में एक बच्चा, पति पत्नी थे। वो लोग फ्लैट में रहने आए थे। उन्होंने एक सोसाइटी में फ्लैट लिया था जो कि बहुत सुंदर था। उस परिवार को वहाँ की सोसाइटी काफ़ी पसंद आई और वो लोग उस सोसाइटी के बारे में बातें कर रहे थे। वहाँ का माहौल, वातावरण और ग्रीनरी देखकर काफ़ी खुश थे। वो सभी लोग काफ़ी थक गए थे और कमरे में आकर आराम करने लगे और उनको कमरा भी काफ़ी पसंद आया। माता पिता के सोने के बाद बच्चे को नींद नहीं आ रही थी। वो रात को बालकनी में आ गया। उसने बालकनी में देखा, एक दीपक जल रहा था। उसने इधर उधर देखा तो दीपक गायब हो चुका था। वो डर गया और घबराते हुए अपने मम्मी पापा के पास पहुंचा। बोला, पिताजी मैंने वहाँ पे एक दीपक को जलते देखा। पिताजी बोले, बेटा तुमने कुछ और देखा होगा, ऐसा कहीं कुछ नहीं होता। उन्होंने उसकी बात सुनने से मना कर दिया और खाना खाने के लिए चले गए और खाना खाया। उसके बाद वह परिवार कमरे की तरफ जाने लगा। कमरे में जाने के बाद उनको कुछ महसूस हुआ। हवा बहुत ज़ोर ज़ोर से चलने लगी। बच्चा डर गया। वह बोला, पिताजी ये हवा कैसे चल रही है। तभी उनको कमरे में एक बिल्ली दिखी जो कि रो रही थी। बिल्ली को देखकर तीनों बहुत डर गए थे क्योंकि वो बिल्ली कुछ देर बाद वहाँ से गायब हो गई थी। सुबह पिताजी को सूरत जाना था जो कि फ्लाइट पकड़कर सूरत की ओर निकल दिए। रास्ते में उनको अपने परिवार की काफ़ी चिंता हो रही थी, पर उन्होंने सोचा वो लौट के सब कुछ सही कर देंगे। और उनकी फ्लाइट काफ़ी लेट थी, इस वजह से वो सूरत लेट जा पहुँचे। अपने पिताजी के जाने के बाद बच्चा बोर हो रहा था तो वो फ्लैट में बालकनी में नीचे खेलने आया तो सोसाइटी के ग्राउंड में काफ़ी बच्चे खेल रहे थे। वो बच्चा भी उनके साथ खेलने लगा। खेलते खेलते वो एक फ्लैट में जा घुसा जिस फ्लैट में कभी कोई रहता नहीं था। बच्चा फ्लैट में जाने के बाद काफ़ी डर गया और घर आकर उसने अपने मम्मी को और फ्लैट की सोसाइटी में सभी लोगों को ये बात बताई। वहाँ पर उसने एक भूत को देखा जो कि बहुत ही भयानक थी। उनको उस बच्चे की बात का विश्वास नहीं हो रहा था। फिर भी उन सभी ने सोचा, पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं और सुनने को मिली हैं, हो सकता है वो बच्चा सच कह रहा हो। ठीक है, सभी लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने एक मीटिंग रखी। उस मीटिंग में उन्होंने उस चुड़ैल को ढूंढने के सोचा और प्लान बनाया। उस चुड़ैल को कैसे मारा जाए, वो चुड़ैल तो दिखाई नहीं देती है। उन सब ने विचार किया, चलो एक वॉचमैन रख लेते हैं जो कि पूरी रात पहरा देगा और हम सब भी अपने अपने औजार के साथ उस चुड़ैल को देख लेंगे। हम सब अपनी सोसाइटी से उस चुड़ैल को हमेशा हमेशा के लिए भगा देंगे, जिससे हमारी सोसाइटी अच्छी बनी रहे और कभी कोई खतरा ना हो, हमारी सोसाइटी के बच्चे भी अच्छे से खेलते रहें। तभी वहाँ पास में धुआं होता है और वो चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है। उसको देखकर सोसाइटी वाले काफ़ी डर जाते हैं, पर वो उस चुड़ैल से पूछते हैं कि तुम यहाँ क्यों परेशान कर रही हो। तब वो चुड़ैल कहती है, मैं भी इसी फ्लैट में रहती थी। इतना कहने के बाद चुड़ैल कुछ देर में रोने लगती है और दुखी हो जाती है। तब सोसाइटी वाले उसका कारण जानते हैं। तब वो चुड़ैल बताती है कि मैं इस फ्लैट से फेंक दी गई थी, मुझे मेरे घर वालों ने ऊपर से फेंक दिया था जिससे मैं मर गई और चुड़ैल बन गई। बच्चे ने कहा, आप तो इतनी अच्छी हो, फिर लोगों को क्यों सताती हो। बच्चे के कहने के बाद वो चुड़ैल वहाँ से चली गई और सोसाइटी वाले अच्छे से रहने लगे। फिर वहाँ पर कभी कोई खतरा नहीं रहा। चुड़ैल के जाने के बाद सभी सोसाइटी वाले खुशी से रहने लगे। टिंग टिंग टांग, टिंग टिंग टांग, सब्सक्राइब माय चैनल मियाओ।